नमस्कार, नेशन वन के बिग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली। सिर मुंडवाने से पहले ही ओले पड़े, ये बात कांग्रेस पर सटीक बैठ रही है। दरअसल टिकट बंटवारे से पहले ही कांग्रेस भवन में आज ये हंगामा देखने को मिला। हंगामा इतना बरपा कि पूर्व दर्जाधारी राजेंद्र शाह का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। फिर क्या हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव की रणभेरी बजते ही भाजपा और यूकेडी ने जहां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस खेमा न जाने किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। हालांकि पार्टी सूत्रों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि कभी भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं। हद तो तब हो गई जब सूची जारी होने से पहले ही कांग्रेस भवन में हंगामा हो गया। इस वीडियो में आप जिस शख्स को हंगामा करते देख रहे हैं, वो कोई छुटभैया नेता नहीं बल्कि हरीश रावत सरकार में रसूख रखने वाले हुआ करते थे और प्रदेश कांग्रेस में भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र शाह की। उनका आरोप है कि जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है वह सर्वसम्मति से नहीं बल्कि कुछ विधायकों और नेताओं के शह पर भाई भतीजा वाद के चलते टिकट दिया जा रहा है। शाह का साफ कहना है कि वे विगत 2-3 दिनों से कांग्रेस भवन में विधायकों का दखल ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने टिकट जारी होने से पहले ही एक संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उम्मीदवारों की लिस्ट में भाई भतीजावाद दिखाई दिया तो बड़े पैमाने पर हंगामा करेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में प्रदर्शित होता है। कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए और कार्यकर्ताओं के बीच में से ही टिकट मिलना चाहिए। इस देहरादून में जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी अपने बारे में हो गई है। वो उस विधानसभा के ठेकेदार बन गए हैं और वो ऐसे लोगों को, किसी का कोई रिश्तेदार है, कोई बिजनौर से लाके उसे टिकट दे रहा है, किसी का भांजा है, कोई कह रहा है क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, वो 4 कदम चल नहीं पा रहा है, मैं इसी को टिकट दूंगी और चाहे मैं काले चोर को टिकट दूँ लेकिन दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं, ये नहीं चलेगा। आगे जैसे ही लिस्ट जारी होगी मैं लिस्ट में देखूंगा कौन कौन से वार्ड में कौन कौन से नाम है, अगर वहां एक दूसरे वार्ड के अगर होंगे और जो जो विधायक इस तरह का काम करेगा वो लिस्ट बनाऊंगा और अगर कार्यकर्ताओं में मजबूत कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाएगा पूरी लिस्ट बनाकर एक पत्र लेकर मैं दिल्ली राहुल गांधी जी के पास जाऊँगा और कहूँगा कि राहुल जी आप जो बातें कह रहे हैं क्या उत्तराखंड में उन बातों का निष्पादन हो रहा है, क्या यहाँ जो चुनाव लड़ गए हैं जो अपने आप को ठेकेदार कह रहे हैं विधानसभा का, क्या आप इनकी ठेकेदारी खत्म करोगे, ये सवाल लेकर मैं दिल्ली जाऊंगा। देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये सब मीडिया के हमारे साथी सहयोगी हैं, इस तरह के सवाल जवाब उठाते हैं और जरूरी है, मीडिया के लोगों को उठाने का अधिकार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता मरते दम तक कांग्रेस का झंडा उठाता है और मैं भी 2 में नहीं मिला, 7 में नहीं मिला, 12 में नहीं मिला, 17 में मुझे टिकट नहीं मिला। यहाँ से जो विधायक लड़े हैं उनसे मेरा बायोडाटा 20 है, मुझे जिंदगी भर टिकट नहीं मिले, मैं कांग्रेस के झंडे में लपेट कर जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। राजेंद्र शाह ने जो हंगामा टिकट बंटने से पहले किया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि किसी भी तरह से उम्मीदवारों की सूची में भाई भतीजावाद को तवज्जो दी गई तो फिर सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने का ये रौद्र रूप आप भी देख सकते हैं। उधर भाजपा ने टिकट बांटकर आफत मोल ले ली है। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में
हंगामा बरपा है। ऋषिकेश सीट पर नाराज महिला दावेदारों ने कुछ ऐसा विरोध जताया कि उसकी आज प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के कुर्ते तक भी पहुंच गई है। फोन मिलाओ ना, आप जिसको मर्जी फोन मिला सकते हैं, मालिक को प्रदेश के। हमारा तो फोन उठा लो ना, आप करो जिसके नाम से, मैंने सारे लोगों के सामने बोल के दे। वो उतना वीडियो वीडियो सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आप आपका डिसीजन है सर, सब कह रहे हैं आपका डिसीजन है। अचानक से कभी प्रेस मीट सर्वे में जो सबसे ऊपर था उसको सबसे नीचे रखा गया। सर्वे के लिए बात लिख दिया है कि आप जो चौथे नंबर पर आते हो उससे पहले नंबर पर रखे हो। बहुत बोल गए हो, एक बात सुनो, बहुत बोल रही हैं आप ही बहन जी, बहुत सर बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो पार्टी के लिए काम करेगा बोलेगा, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है उनसे काम करेगा बोलेगा, ठीक है। नहीं, जो पसीना बहाएगा सर वो बोलेगा, ठीक है ना, बोलना पड़ेगा बहन जी, शांत रहिए, शांत रहिए और तरीका सीखिए। आप प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए, तरीका नहीं है, जितने लोग आए हैं मैं देखूंगा, इसमें बाद में सबसे बात करवा रहा हूँ। अब निकाय चुनाव का दौर शुरू हो गया है, अब आगे आगे देखिए क्या कुछ नए रंगों के साथ सभी पार्टियां आती हैं। नेशन वन में बिग न्यूज में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।